सो मच फॉर वॉचिंग दिसो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और आज हम करने जा रहे हैं शूट की लोकेशन आज का वीडियो शुरू इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी खुशखबरी वीडियो के अंत में देखेगा और एक मोमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ तो क्या है वो मोमेंट उसके बारे में हम एकदम लास्ट में बात करेंगे पहले हम शूट लोकेशन देखते हैं चलो वन टू थ्री सो दिस इज बेसिकली एंट्री पॉइंट जहाँ से जोया मैडम की एंट्री हुई थी यहीं से उन्होंने शर्वरी जी की ज़िंदगी में तबाही मचाना शुरू कर दी यहाँ पे हम दिखाते हैं वॉचमैन को ये है वॉचमैन की खड़े रहने की जगह बेचारे को घर नहीं है तो उसका घर यही है एंड यहाँ पे खड़े होते हैं यूजुअली चाचा जी जो कि उनसे बातें करते हैं अभी वो मिसिंग है वैसे ये ये एक फ्लोर नीचे का है मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं करता हम एक और फ्लोर ऊपर करते हैं जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा शूटिंग होती है क्योंकि इसके जैसा सेम ऊपर भी है तो मैं यहाँ करने के बजाय वही सेम शूटिंग ऊपर करता हूँ तो चलिए तो ये है हमारा रोज़ का शूटिंग पॉइंट जहाँ पे चाचा जी खड़े होते हैं आगे वॉचमैन ये सब सेम नीचे है अगर मैं चाहूँ तो नीचे भी कर सकता हूँ पर ज़्यादा शोर शराबा होता है तो एक फ्लोर हम ऊपर आए और ये रही वही सीढ़िया जहाँ से अप्सरा नीचे आती है हमारी शर्वरी जी और दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से वो आती है नीचे एंड सबकी अभी तो ज़रा बिजी है वो अभी जित के साथ ज़्यादा आती जाती है नहीं खाली बेचारा वॉचमैन इंतजार करता है पर कोई आता जाता है नहीं थोड़ी बिजी हो गई है वो अब आते हैं हमारे सबसे मोस्ट फेवरेट पॉइंट पे जहाँ पे सारी सोसाइटी की चर्चे होते हैं तो ये है सुमित्रा आंटी जी का सुमित्रा जी का घर जहाँ से वो बातें करती है अपनी प्यारी दोस्त जो है शर्मिला जी हमारे बहुत सारे सीन्स यहाँ पे हुए बड़ा हो छोटा हो सोसाइटी में कोई धमाका हो उन दोनों को बस मजे लेने होते बिना टिकट की मूवीज देखती है साथ में कुछ ठस्ती रहती है और ये आगे है शर्मिला जी का घर जो कि मेरा घर है तो यहाँ पे खड़ी रहती है हमारी शर्मिला जी अगो तो ये है हमारी प्यारी सी शर्मिला जी जो कि यहाँ पे आती है एंड ऊपर uh, हमारी शर्वली जी का घर है वैसे ऊपर कुछ नहीं है पर दिखाने में है हम दिखाते हैं कि ऊपर शर्वरी जी का घर है तो ये है ऊपर जाने का रास्ता पर यहाँ पे ज़्यादा छूट नहीं होता ऊपर छत है तो यह जी कहा रहती है ये एक सीक्रेट है ये मैं अभी नहीं बताऊँगा कुछ आगे के लिए भी छोड़ देते हैं ना है ना तो ऊपर चलते हैं तो ये है वो जगह जहाँ पर हम स्कूल वाले या फिर जो हॉस्पिटल की वीडियोज़ होते हैं वो ज़्यादातर मैं यहाँ पे शूट करता हूँ क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छे से आती है तो वो लगता है ऐसा आउटडोर में कुछ चल रहा है और स्कूल टाइप फीलिंग आती है तो यहाँ पे वो सब शूट होता है अगर आपने दादाजी का ब्यूटी पार्लर वाला वीडियो देखा होगा तो दादाजी यहीं पर आती है यार ब्यूटी पार्लर पर छत के ऊपर और सब्ज़ी मंडी की जो वीडियोज़ हुए हैं वो सारे ऊपर ही हुए हैं <laughs> बस एक हुआ था वो नीचे वहाँ पर शायद दो साल पहले एंड बाकी सारे यहाँ पे ऊपर ही होते हैं सब्ज़ी मंडी यहीं पे सब्जियाँ हमारी बैठती है सब सब्ज़ी वाले यहीं पे बैठते हैं पहली ऐसी सब्ज़ी मंडी है जो छत के ऊपर भरती है और यहाँ पे सुमित्रा शर्मिला और दादी भी आती है सब्जी खरीदने के लिए और यहाँ पे कई सारे वीडियोस की शूट भी हुई है मोस्ट प्रोबली जो अगर आपने वो सीरीज़ देखी होगी या फिर रानी उसकी भी यहाँ पे ऊपर बहुत शूटिंग हुई है एंड अब मैं नीचे बैठा हूँ जैसे कि आपने देखा होगा कि शर्मिला जी बाज़ार जब जाती है तब तो यहीं पे बैठ के सब्ज़ियाँ लेती है और यहीं पे बार्गेनिंग करती है आंटी के साथ और हमारी आंटी बैठती है यहाँ पे बैठती है हमारी आंटी जी छत के पास आराम से और यहाँ पे रज्जो का भी सीन हुआ था आपको याद होगा अगर आपने वो सीरीज़ देखी है तो साथ वाला गाना पे यही हुआ था वो शाम के वक्त तब सूरज अभी सूरज यहाँ पर है तब सूरज यहाँ पे जाता है तो काफ़ी अच्छा वो सीन होता है ये है तुलसी मैया का पेड़ और ये पीछे अभी हमने कुछ नया भी लगाया है वो एक केली है ना और बाकी अगर आपने देखा होगा होम टूर का वीडियो तो उसमें मैंने जो दिखाया था ये वही है अभी तक वो उतना ही है उसकी हाइट ही नहीं बढ़ी और ये सेम लोकेशन है जहाँ पे हमने रज्जो की माँ को दिखाया था जो कि यहाँ पे बैठ के अपना घर का, का काम करती है ये, ये सेम है दोनों की तरफ ऐसे तो यहाँ पे यूजअली बाजार का हम दिखाते हैं और यहाँ पे अगर कोई गांव का सीन हो तो वो भी आप अंदर का नज़ारा देखिए बाहर तो सब देख लिया आपने राइट अभी हम आए आपके फेवरेट कैरेक्टर के रूम में जो कि है दादी जी और ये है हमारी प्यारी दादी की खटिया जिसके ऊपर वो बैठती है और बहू को ताने मारती है शरवरे की तारीफ़ करती है <laughs> और मेरे पीछे बैठते हैं यहाँ पर दादाजी और ये पापा का कोना तो आप कैसे भूल सकते हो यूजली पापा उसी कोने में दिखते हैं आपको है ना मैंने पापा के लिए बस यही कोना निकाल के रखा है जो भी शूट करना हो हम पापा का यहीं पे करते हैं पापा को मैंने जगह ही नहीं दी दूसरी और दादा की दादा की ये जगह और दादी की वो जगह घर में अगर चाँपड़ू करनी हो तो शर्मिला जी करती है बाकी कोई उठता नहीं सिर्फ घूमना हो तो शर्मिला जी के अलावा घर में कोई घूमता नहीं बाकी दादी जी तो यहीं पर रहती है दादाजी यहीं पर होते हैं और पापा का ये कोना फिक्स है और दादी जी के रूम में हमारे गणपति बप्पा है जो कि आपने होम टूर के वीडियो में देखे थे और ये वही है और ऊपर ऊपर का चेंज किया है मंदिर अब बाकी ये डिस्को लाइट्स लगाई है दादी जी के रूम में <laughs> क्योंकि हमारी दादी बहुत मॉडर्न है नहीं ऐसी कोई बात नहीं भगवान जी के लिए लगाई है तो अभी हम चलते हैं हमारे प्यारी सुमित्रा आंटी जी के घर पे और वो मेरा स्टूडियो भी है जहाँ पे सभी चीज़ें होती है ये देख सकते हो आप ये यहाँ पे सब कुछ होता है मेकअप से लेके कपड़े से लेके सब कुछ हम यहीं पे करते हैं सभी कैरेक्टर चेंज इसी इसी रूम में होते हैं और ये स्पेशली मैंने आप सबके लिए ऑर्डर की है क्योंकि मैं कमें कमेंट्स देखता हूँ आप बोलते हैं कि चूड़िया भी होनी चाहिए ओके मैंने कहा और भी और भी कैरेक्टर नेचुरल लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारा कैरेक्टर और नेचर वाइज अच्छा लगे और रियलिस्टिक लगे ज़्यादा बाकी ये कपड़ों का सेक्शन है ये पूरा फीमेल का है और ये पूरा मेल वाला है तो पहले देखते हम जो हमारी आंटी या सॉरी मैं आंटी किसी को नहीं बोलूँगा ये हमारी सबसे फेवरेट वाली तो शर्वरी जी की साड़ी बाकी है ये नर्स वाली ये शशि बहन की है पुरानी वाली और अरे यार क्या है ये।, ये दादी जी ये शर्मिला जी और आ, बाक़ी निर्मला मैडम की कौन सी है नीचे होगी शायद वो मुझे इन सब में से कौन सी पसंद है मम्मी वाली मुझे मम्मी वाली अच्छी लगी है क्योंकि मैंने वो चूज़ की थी और एक नीचे बॉक्स है इसमें सब ड्रेस होते हैं जैसे कि सुमित्रा जी का या फिर जोया जी का ड्रेस हो ये सब नीचे में रखता हूँ और ये सारा मेल कैरेक्टर जो है ये डॉक्टर जी का है अभिजीत का है पापा का है नीचे शायद कहा गया ये सब मुझको फिर से बहुत तकलीफ़ होती है पर रखना ये पापा का है ये विकास का है ये चाचा का है ये प्रसाद का है और और कौन सा कैरेक्टर बच गया है यार हाँ वॉचमैन जी को कैसे वो ये वॉचमैन का है इन सब में मुझे पसंद है अभिजीत का क्योंकि अभिजीत जब से आया तब से उसने सबकी बजा दी है और सब उससे बहुत जलते और जाहिर सी बातें जलेंगे ही एंड ये मेरी फेवरेट दीवार जिसके ऊपर ये आपकी वजह से मिला हुआ और ये ऊपर जो है सबसे वो मोज की तरफ से मिला हुआ है मुझे लेट्स मोज जो कि मैंने मोज सुपर स्टार हंट में पार्टिसिपेट किया था और आपने शायद देखे होंगे वो वीडियोज भी मोज वाले और ये आपके वजह से मिला हुआ और और भी है ये मोज की तरफ से ये एक लाख जैसे YouTube यूट्यूब का होता है वैसे मोज का भी होता है तो ये मैंने यहाँ पर रखा है ओ शिट मैंने क्या दिखा दिया नहीं सोसाइटी में अभी फिलहाल कोई शादी नहीं होने वाली पर फिर भी मैंने ये मैंने कहा रहने दो क्या पता कब किसकी शादी का बार फूट जाए <laughs> कुछ भी हो सकता है सोसाइटी में हम थोड़ी पता सकते राइट ये है बुक्स एक है आदि योगी और एक कर्मा है मैंने आदि योगी कंप्लीट कर दिए अभी ये कर्मा मेरी चालू है ये ऊपर मैंने चिपकाया है जो मुझे वीडियोस बनाने हैं पर उसमें से एक भी वीडियो नहीं हुआ हुए है पर मैंने कभी वो फॉलो ही नहीं किया जो मन में आता है मैं वही बना रहा हूँ और ये है जब मैं नीचे बैठूंगा तब हो जाएगा शर्वरी जी का रूम बहुत बेसिक है जब मुझे सुमित्रा जी का करना होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और जब शर्वरी जी के मोस्ट प्रॉबली सीन है वो मैं नीचे बैठ के करता हूँ ताकि बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो राइट और ये ब्लू है बैठ तो चल ये शर्वरी जी का ब्लू है जो कि पता नहीं उनको किसने गिफ्ट दिया है शायद अभी जितनी दिया होगा और कौन देगा राइट शशि का घर कहाँ है जोया जी का घर कहाँ है वो एक्चुअली एक नीचे भी फ्लोर है अभी उसके ऊपर ताला है मेरी मेरे पच्चाबी ने उसकी तो मैं आपको वो दिखा देता जहाँ पे हमने जोया जी शशि का जो है वो आ, वहाँ पे बाकी की वीडियोस की शूट होती है मैं ज़्यादातर वो कैरेक्टर ऐड नहीं करता हूँ तो उन ज़रूरत नहीं पड़ती बट आगे जाके मार्च में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आप चाहते हो कि मैं रोज़ वीडियो पोस्ट करूँ मैं भी चाहता हूँ मैं रोज़ वीडियो पोस्ट करूँ बट ये पॉसिबल है और ज़रूर करूँगा मैं थोड़ी तकलीफ़ होगी बट आई वॉन्ट कि मैं आपको हर दिन वीडियो दूँ और मार्च से शायद आपको रोज़ वीडियो देखने को मिल जाए और कंटिन्यू और कुछ बाकी के वीडियोस भी सोसाइटी के बाहर वाले भी सोसाइटी के भी तो आपको बताइए आपको कौन सी वीडियो अच्छे लगते हैं कभी कभी हम दिखाते हैं बाहर के सोसाइटी के या फिर आपको सोसाइटी की देखनी है बस मुझे कमेंट में बताइए आपको बस सोसाइटी देखनी है तो पूरा मार्च हम सोसाइटी दिखाएंगे अगर आपको बाहर के देखने हैं तो हम मिक्स मैच करके भी दिखा सकते हैं तो मुझे बताना कमेंट में आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए मार्च में ताकि मैं मैं यहाँ से प्लानिंग कर सकूँ और रही बात अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी सरप्राइज और मोमेंट वाली बात तो मोमेंट वाली बात पहले करते हैं कल से हमारे चैनल पे एक मूवमेंट शुरू होने वाला है, हैश टैग सेव सॉइल जो कि आपको पता होगा मोमेंट बहुत दिनों से चल रहा है अगर आप सदगुरु जी को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर ईशा फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हो तो ये बहुत ये मेरी खुद की मूवमेंट नहीं है ये सबकी मूवमेंट है आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए बहुत ईजी वे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उस मूवमेंट में और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका हिस्सा बने तो कल से इसके ऊपर मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा या फिर हमारे जो है उसमें आपको जानकारी दूँगा क्या करना है आपको आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हो और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसका हिस्सा बने और रही बात सरप्राइज वाले पार्ट की तो सरप्राइज ये है कि कल एक इंटरव्यू आने वाला है मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं चाहता हूं कि आप उसे ढेर सारा प्यार दो कहाँ पे आएगा इंटरव्यू मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है मैशेबल इंडिया पे आ रहा है वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक दे दूंगा आप जाइए उनके चैनल पर पांच या छः बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो वहाँ पे क्रिएटर्स रूम का वीडियो है एपिसोड पांचवां है ये जो कि मेरे साथ हो रहा है और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है और देखिए मैंने क्या किया है सिद्धार्थ सर के साथ ये शूट हुआ था आ, जो बॉम्बे जर्नी होस्ट कर रहे हैं अभी मैश इंडिया चैनल पे आपने उनके वीडियोस देखे होंगे तो उनके साथ आ, मेरा फ़र्स्ट इंटरव्यू रहा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं चाहता हूँ कि आप भी वो इंटरव्यू जाके देखें वहाँ पे जो है शर्मिला जी भी आपको दिखेंगी और शर्मिला जी अपनी बातें करते हुए दिखेंगी तो मिस मत करना कल का इंटरव्यू पाँच या छः बजे अपलोड कर देंगे वो लोग और जाके देखना और ढेर सारा प्यार मुझे देना ठीक है ना और अभी मिलते हैं अगले वीडियो में अगला वीडियो क्या होगा बहुत जल्दी आपको पता चलेगा थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप सबका थ्रू आउट सपोर्ट मुझे रहा है मैं चाहता हूँ कि आप सबको रिप्लाई दूँ सबको लाइक like दूँ पर जितना आते हैं ना कमेंट मुझसे मिस हो जाता है बहुत बुरा लगता है तो बस एक दिल से बहुत बड़ा वाला शुक्रिया आपने बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करती रहिए क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ राइट तो मैं आपको और भी ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा आगे भी और ऐसे ही हसाता रहूँगा और न्यू न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे अभी अभी इतने रखते हैं ना एक एक मंथ फिर बाद में देखेंगे ठीक है ना तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय चलती हूँ मैं बाय बाय